हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। शेफालीज किचन में मैं भावना गोयल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कई बार घर में रहते हुए हमारा दिल करता है चाइनीज़ फूड खाने का, तो ऐसे में हमें पास्ता और चाउमीन या मैक्रोनी टाइप्स कुछ दिल करता है खाने का, पर कई बार घर में वो अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो आज की जो रेसिपी है मेरी इसी टॉपिक पे है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, हमने नॉन स्टिक पैन ही लेना है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया है और मैंने यहाँ पर 1 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया है और एक बड़ा प्याज हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है और उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से जो है ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे हम इन तीनों चीज़ों को, सॉरी दो चीज़ों को। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर एक बड़ी शिमला मिर्च ली है और उसे धोकर हमने लेंथ वाइज काट लिया है, बिल्कुल पतला जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है, और जैसे कि आज का लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में कई बार सामान घर पे नहीं होता, चाइनीज़ फूड खाने का मन करता, तो ये बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है और हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बीन्स का यूज़ किया है, जिसे 10-15 बीन्स होती हैं उनको कट कर लिया है और उसका यूज़ कर रहा है मैंने यहाँ पर। 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर बोम्बिनो की रोस्टेड जो वर्मिसेल होती हैं उनका यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये नमकीन सेवियाँ की रेसिपी जो है बच्चों को बहुत पसंद आएगी, साथ में बड़ों को भी पसंद आने वाली है। हर एज के जो पर्सन होते हैं उन सबको ये बहुत ही पसंद आने वाले, क्योंकि कई बार जो ये मार्केट में जो ये सेवियाँ मिलती हैं वो मैदे की भी मिलती हैं और सूजी की भी मिलती हैं और वीट फ्लोर जो होता है जो उसकी भी मिलती हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पहले आपको मसाले बताती हूँ। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाली है और गरम मसाला ऐड किया, और मैंने यहाँ पर सूखा धनिया का यूज़ किया है 1/4 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज़ किया है, ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे जरूर डालिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं जो भी आपके पास। लॉकडाउन के कारण हम घरों में बैठे हैं तो पूरा सामान घर पर नहीं होता, तो इस वजह से जो भी सामान पड़ा आप उनका यूज़ करके अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ही सूखी मेथी ली है, जिसे हम कस्तूरी मेथी भी कहते हैं, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। फ्रेंड्स, ये सेवियाँ बहुत ही हेल्दी होती हैं, अगर आप सूजी की या वीट फ्लोर की बनी हुई यूज़ करते हो तो बहुत ही हेल्दी हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं, उनको भी अच्छी ही लगती हैं और हेल्दी तो है ही हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बड़ी जो कटोरी होती है वो मैंने यहाँ पर सेवियों की ली है। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है, आप एक जो मैंने ये कटोरी ली है तो इसकी क्वांटिटी ये रहती है, बनने के बाद ये 4 गुना हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 कटोरियाँ यहाँ पर पानी की ऐड की हैं। आप इसमें जो भी आपके पास सब्जियाँ अवेलेबल हो, गाजर हो, मशरूम हो या पनीर हो, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाली है, रोस्टेड होती हैं तो जल्दी बन जाती हैं और ना ही इसमें ये चिपकने का डर होता है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल खिली खिली बनती हैं रोस्टेड होने के कारण। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप पहले इसे एक अलग पैन में रोस्ट कर सकते हैं घर पर ही, पर जो रोस्टेड होती हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा जल्दी बन जाती हैं, हमारा टाइम सेविंग हो जाती है हमारी, और इस टाइप से आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। चाइनीज़ फूड देने से अच्छा है कि आप बच्चों को ये खिलाएं, बच्चों को पसंद आती हैं, क्योंकि कई बार वो सब्जियां नहीं खाते हैं घरों में, तो आप इस तरह से सब्जियां डालकर उनके लिए बनाएं तो उनको भी पसंद आएंगी और उनकी सेहत के लिए भी अच्छी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो सेवियाँ पूरी तरह से पक चुकी हैं, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सेवियाँ ली थी और तो मैंने इसमें 2 कटोरी पानी डाला था, हमें 2 कटोरी पानी ही डालना है, सफिशेंट होता है पानी 2 कटोरी, और इसका यही एक रेशो है। फ्रेंड्स, हमारी सेवियाँ बन चुकी हैं, मैंने गैस बंद कर दिया था और अब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो मैंने 1 कटोरी में डाल दिया। मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे हम ऐसे सर्व करके बच्चों को दें तो कितना अच्छा उनको लगता है, देखने में ही अच्छी लगती हैं और खाने में बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं।
तो आप ऐसे भी अगर उनको बना के देती हैं, सर्व करके देती हैं, तो उनको पसंद आएगा, चाइनीज़ फूड खाना भी भूल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।